आप देख रहे हैं न्यूज फर्स्ट नेटवर्क, आपके साथ आपकी आवाज। हाँ ये आपने नीतू जी आइए ना, चांदनी जी आप आइए ना, नीतू जी आइए, चांदनी जी टिश्यू होगा तो बोले ना, टिश्यू भैया आगे सरका के भैया अच्छा रहे। ये फोटो छपेगा भैया, वो चालू करवा दे। कौन सा खाना? पाँच मिनट लगेंगे, पाँच मिनट लगेगा, पाँच मिनट लगेगा सर। एक बड़ा सभी लोग सुनिए, मैं वैसे उतना भी बड़ा व्यक्ति नहीं हूँ, मैं जितना मुझे सम्मान मिल गया, मैंने तो कभी अपेक्षा नहीं थी कि इतना बड़ा सम्मान मिलेगा। सबसे पहले इतना मान देने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगली चीज कहाँ से शुरुआत करें समझ में नहीं आता है, लेकिन मैंने एक सिंपल से सोते को सागर बनते देखा है मैंने आंखों से। एक व्यक्ति बच्चा कहूंगा मैं, जिस विद्यालय में मैं शिक्षा था शिक्षक, उस विद्यालय में बच्चा आता है, जो टॉप दो विद्यार्थी होते हैं उन बच्चों में उसका नाम होता है। हम लोग काफी अच्छे होते हैं, अच्छा संबंध हमारा होता है, क्योंकि बच्चा बहुत अच्छा होता है। और उसमें होता कुछ यूं है कि कुछ टीचर्स डे या ऐसा कोई त्योहार होता है जिसमें एक बाहर से गेस्ट बुलाने की बात होती है, और प्रिंसिपल जी, मैं वहाँ मैथ्स का टीचर रहता हूँ मैं, तो हमारे प्रिंसिपल जी ने कहा कि बाहर से कोई आएगा तो ठीक है, कुछ बच्चों को तैयार करते हैं बोलने के लिए। तो एक बच्चे तैयार हो गए हम बोलने के लिए, और है ना कि निंदा के लिए राखी आंगन कुटे छिवाए। तो उस दिन उस बच्चे ने एक ऐसी स्पीच दे दी थी कि पूरा स्कूल सन रह गया, सारे टीचर्स को अलग से बुलाया गया, अरे भाई तुमने किस बच्चे को खड़ा कर दिया, अगर बाहर से अगर आ जाते लोग तो आज हमारे क्या इज्जत रह जाती। पूरा स्कूल उस पहले दिन 15 साल के बच्चे से घबरा चुका था। वह बच्चा मेरे ट्यूशन में भी रहा, मेरे स्कूल में भी रहा, टॉपर रहा। उसके साथ में इमोशनल अटैचमेंट हमारा इतना हो गया कि हम एक साथ एक बेड पर ही सोते थे, एक ही घर में रहते थे। लोगों को पता नहीं था कि ये व्यक्ति यहाँ के हैं, दो लोग थे एक जन और हैं। तो साथ में बहुत सारी चीज़ें की आज जिन चीज़ों को लोग कहते हैं कि बहुत डेयरिंग वाला काम है, तो दो जन तीन जन मिलकर के भी एक लंबे लंबे नाम था शिक्षक हैं, लेकिन हमने वो सब कुछ किया जो नहीं कहना चाहिए, जिसे असामाजिक बात कह दी जाए, जहाँ लोग कहते ना कि बहुत डेयरिंग वाला है, ये वाला है, वाला है। पांडे जी भी बैठे हुए, बहुत बड़ी क्रांति की थी आपने, धारा के विपरीत दिशा में चले थे, सल्यूट, रियली बहुत अच्छा काम किया था आपने। और डर जैसी कोई चीज नहीं होती है, कई जगह रही है, कई जगहों पे तो हम दो जन ही साथ में रहे, कोई तीसरा था ही नहीं। फिल्में भी देखने के लिए वो भी 9 बज गया भागते हैं, तो कुरार से लेकर के संगीता टॉकीज तक भाग के जाते थे हम लोग देखने के लिए। इन चीजों के साथ में मैं भी स्ट्रगल पीरियड में था कि मुझे कोई एक मजबूत हैंड चाहिए हिस्ट्री ज्योग्राफी हिंदी साइंस के लिए। मैंने कहा भाई आपको टीचिंग के लिए ला रहा हूँ मैं, शर्त ये है कि पूरी किताब बिना देखे टीच करनी है आपको। और उस व्यक्ति पर इतना प्रेशर दे करके मुझे, देखिए कहते ना कि मेहंदी तो मेहंदी है रंग लाएगी, यह मेरा जैसा मुझे कहा गया कि मेरी वजह से हुआ, यही हुआ कि मेरी वजह से थोड़ा जल्दी हो गया होगा, लेकिन
अंदर मेहंदी थी, रंग लानी थी, तो उस वक्त जो मैंने तैयारी की, एक ऐसा टीचर जो पूरे कुरार में छा गया, हिस्ट्री ज्योग्राफी हिस्ट्री के लिए स्पेशली पूरी हिस्ट्री आज आप पूछ सकते हैं। सन के साथ में सभी के गाने बने हुए थे, सभी के कैसेट्स थे और सारे के सारे हिस्ट्री। एक बच्चा, अरे तो बच्चा है क्या टीच करेगा, पूरी जुबान पर सन के साथ में और गाते हुए वो हिस्ट्री। और हमने राज किया इस कुरार में, मलाड, कांदीवली, गोरेगांव में कोई था नहीं सामने। एक बड़ा लॉस रहा कि ये टीचिंग से बाहर आए, लेकिन एक बड़ी चीज रही कि टीचिंग बेहतर करने के साथ में जो सही वक्त पर जो टीचिंग में आए, जो बोलने का जो आर्ट निकला। बहुत सी कविताएं लिखते हैं भाई साहब, शायद लोगों को, कम लोगों को पता हो, कविताएं लिखते हैं, लेख लिखते हैं, गाते हैं, हमने साथ में सारी चीजें की हैं। और शायद मुझे ऐसा लगता है कि शायद जितना मैं जानता हूं, मैं एक नगर सेवक जी हैं जो आज MLA का, MP का ख्वाब देख रहे हैं, आके जमीन पर पालथी बांध करके बैठते थे और हम वहां पे बैठ के स्पीच देते थे हम। और ये नाम मालूम पड़ जाएगा, शायद आप भी रहे होंगे उस पार्टी में, वैभव बीटू के छत के ऊपर। तो हमने बहुत सारे बर्थडे साथ में मनाए हैं, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं, मैं जो अक्सर कहूं, मैं रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ये मेरी इच्छा है कि कांटे जरूर मिलेंगे, मैं आगे बढ़ना है। रुकती नहीं बहती हवाएं, रुकती नहीं बहती हवाएं, रोकने से थामने से बढ़ता है गौरव वीर का, संघर्ष के स्वीकार से फिर आंधी तुम्ही तूफा तुम्ही तुम्ही वक्त पर भूचाल हो। ये मेरी शुभकामनाएं है मेरे भाई के लिए। और जैसे कि कहा इन्होंने कि दोस्त जो होता है, मैं हूं तो तू कैसे मर जाएगा, ये मेरा वेल टेस्टेड भाई है। वेल टेस्टेड यानी कि लोग कहते हैं कि भी भाई कहूंगा मैं, लेकिन हमने फ्रेंडशिप जैसे भी हम जिंदगी जिए हैं, पारिवारिक जिंदगी, और हम लोग उस उम्र में लोगों से मोर्चे लिए हैं जिनका बहुत नाम हुआ करता था, गावड़े जी बता रहे हैं। तो हम उस दौर में भी वैसे रहे, डर किसी से नहीं है, भय किसी से नहीं है। और आज इस समाज के लिए जैसे जा रहे हैं, मैं चाहता हूं मैं कि रियली जो समाज को जो इन्होंने जोड़ा है ना, आज एक कमी भी कह रहा हूं मैं, है ना, कहा ना आपने कि निंदक मेरे राखिए, मैं कह रहा हूं निंदक भी हूं मैं, सामने से बुराई कर रहा हूं मैं। जो संगठन जो बन चुका था हमारे पूरे दिंडोसी में, वो संगठन पे फिर से काम नहीं हुआ। जब ये एजुकेशन पीरियड में थे, क्रांति नगर से लेकर के पूरी कन्यापाड़ा के पीछे तक पूरा सब जगह का संगठन, सारे लोग, सारे जुड़ाव, सारी मीटिंग्स होती थी हमारी, उन सारी मीटिंग्स को छोड़ दिया गया। आज जो वेस्ट में है, जो यहाँ पर है, इससे बहुत बेहतर, जो लोग आज संगठन की बात करते हैं ना, एक बहुत बेहतर नेटवर्क हमारे पास था इस डिंडोसी में। और आज भी मैं कहता हूं, मैं एक बहुत बड़ा वजूद है, और मैं कहता हूं एकला चलूंगा मैं, साथ खड़े हैं, इसीलिए सिचुएशन कहते हैं कि है तो क्या होगा, हूं जब तक कुछ नहीं होगा, इसी गारंटी है। थैंक यू। और इतना बेहतर जो सरकार बुके वगैरह से इस्तेमाल करना चाहते हैं, बारी बारी आ जाइए, बारी बारी से आ जाइए। बहुत बहुत थैंक यू, अनिल भाई, अरे क्या बात है, हर दिन हो सोना सा उजाला, हर दिन हो सोना सा उजाला, रातें हो चांद सितारों से, जीवन में खुशियां भरी रहे, बहती नदियां धारों से, सुंदर से अति सुंदर हो आपके सुंदर जीवन का क्रम, जन्मदिन के संग हुआ पुनः परिपूर्ण। SIT
कोशिश करना भाई सबकी निकल जाए, नहीं तो कोई नाराज ना हो बेचारा कि तुमको नहीं लगे तो मेरी प्रॉब्लम हो जाए। हां तो आज अब थोड़ा आपको देख लेंगे सर, हमारे साइटी हेड साहब कुरला की शान और पूरे कुरला में आप सबसे तोहफा। अरे बस बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। बस क्या भाई तो अभी निकली है भाई भाई एक सवाल है, एक मिनट हाँ डाल के देखिए, बहुत खूबसूरत बहुत खूबसूरत जबरदस्त राजेश भाई कैसा लग रहा है? जबरदस्त जिंदाबाद भैया, लाल किला दिख रहा है भाई अपने को बहुत खूबसूरत, देखिए मोहब्बत देखिए बहुत अच्छा गुजरात में बना, थोड़ा ऐसा करो ना सब सारा है सब गुजरात हां सही है हां गुजरात में बना भाई एकदम मस्त और है और नाम के साथ एक ऊपर मोर मुझे भैया ऊपर मुझे मिला बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत इसी तरह से बना बना रहे हमेशा बना। सब खुल रही हो, सभी लोग जरा ध्यान से सुनना, नीतू जी जरा गौर कीजिए, तहजीब तहजीब अदब और लिहाज कोई सीखे तो पेन से सीखे, तमीज अदब लिहाज कोई सीखे तो पेन से सीखे, जब भी चलता है सर झुका कर चलता है, जब भी चलता है सर झुका क्या बात, सहन शक्ति अगर कोई समझना चाहे तो कागज से समझे, जो भी लिखा जाता है सब स्वीकार कर लेता है, सब स्वीकार कर लेता है। क्या बात, कागज भी है मोहब्बत भी है सारी चीजें हैं, और एक समापन की तरफ है कार्यक्रम, ऐसा कहते हैं हमारे यहाँ कि टूटते हुए तारे को देख के कुछ मांग लो तो मुराद पूरी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। एक दिन इस दुनिया से दूर बहुत दूर चले जाएंगे हम, एक दिन इस दुनिया से दूर बहुत दूर चले जाएंगे हम, आसमान में चांद सितारों नक्षत्रों के बीच में नजर आएंगे हम, हमें देखकर मांग लेना कोई अपनी मुराद, यकीन मानो तुम्हारी मुराद पूरी करने को तुरंत टूटकर जमीन पे गिर जाएंगे हम। क्या बात, आपका बर्थडे लेकिन स्पेशल अग्रवाल सर के लिए, आपकी बोली बोले तो बंदूक की गोली, अरे क्या बात अग्रवाल सर एकदम गोली की ढाई ढाई कर रहे जिया ले भाई, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ पे देखिए आप सबको कुछ डिग्रियां स्कूल से मिलती है, कुछ कॉलेज से मिलती है, कुछ कहीं से मिलती है सर, सर बोलिए ना, लेकिन यहाँ जो भी महानुभाव उपस्थित हैं, जिनके सम्मान में आदरणीय ओम भाई ने बताया कि ये महासचिव हैं, ये ट्रेजरी हैं, ये यह उनकी व्यक्तिगत कमाई है, व्यक्तिगत कमाई व्यक्ति कमाता है लेकिन उस कमाई के पीछे अटूट मेहनत होता है, और उस मेहनत को जो भी इंसान यहाँ पे बैठा है मेरे भाई का एफर्ट एक एक जन के पीछे लगा होगा, जो आदमी अपने घर में समय नहीं दे पाता अगर यहाँ पे 3 घंटा दिया है तो मेरे भाई में वह चुंबकीय शक्ति है। लोग अपने बच्चों को समय नहीं देते हैं, माँ बाप को नहीं देते हैं, लोग आज का दिन इंतजार कर रहे थे कि ओम भैया का बर्थडे होगा तो हम लोग खुश होके मनाएंगे। मेरा खुद का पर्सनल तजुर्बा है, लोगों का है या नहीं पता, आपके ऊपर समस्या आती है तो आप हट जाओगे लेकिन हमारे भैया उस पीछे जब तक समस्या खत्म नहीं होती है पीछे पड़े रहते हैं, पड़े रहते हैं, पड़े रह जाते हैं। एक दिन तो समस्या भी बोलती भैया मेरे सामने बताओ और इतना बड़ा कारवां अगर हम सबका बना है तो मैं चाहूंगा कि इसकी व्याख्या मैं परमाणु से करना चाहूंगा। जब परमाणु अटैच होता है ना, छोटे छोटे अणु होते हैं जो एक दूसरे में जुड़े होते हैं, तो यहाँ पे सब बहुत बड़े तीरंदाज होंगे, सब सारे चीज होंगे, लेकिन वो जो गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है वो सिर्फ हमारे भाई के अंदर है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत। और कोई भी इंसान इनसे छूटा नहीं है,
लोग छूट गए लेकिन इनसे कोई इंसान छूट ही नहीं सकता है। और इस हिसाब से हम लोग लगभग समापन पे हैं, कार्यक्रम समापन की दिशा में बढ़ रहे हैं भाई। और अगर किसी को और कुछ बोलना है तो मैं बोलना चाहता हूँ। जय हिंद दोस्तों, मैं राजेश पांडे। भाई का मुलाकात तो कुछ ऐसे विषम परिस्थिति में हुआ था, बट उसके बाद मैंने कहा कि आकर्षण गुरुत्वाकर्षण का जो बल है वो मुझे कहीं ना कहीं खींच के लाया। सिर्फ वो एक ही चीज की सच्चा और सच्चे के राह में चलना जो इन्होंने मेरे को दर्शाया इनके में लगा। तो मैं थोड़ा एक नेगेटिविटी हुआ था उसके बारे में बताऊंगा नहीं, बट पॉजिटिविटी होना मेरा क्या है, मैं रिश्ता जोड़ने में विश्वास करता हूँ बहुत अच्छी। और सेकंड थिंग, अभी हाल फिलहाल में मेरा कांग्रेस में पद मिला है, अनिल भाई जानते हैं, अनिल भैया, अनिल भाई पांडे जी, ध्यान नहीं लग रहा है, राजकुमार। तो कांग्रेस का हमने साथ में काम किया, ठीक है, आज अलग अलग पार्टी की विचारधारा में काम कर रहे हैं। तो 14 साल का मेरा वनवास गुजरा है, उसके बाद मैं उत्तर भारतीय प्रकोष्ठ का जो वर्किंग प्रेसिडेंट कहते हैं, जिसे कार्यकारी अध्यक्ष वो बनाया गया है। हाल ही में ही 12 दिवस से मैंने प्रोग्राम रखा था, भैया ने मेरे शब्दों का मान रखा, अग्रवाल सर ने मान रखा और उन दोनों आए। बहुत अच्छा लगा कि मेरे पीठ पीछे भी लोग ऐसे हैं जो मेरी सराहना करते हैं। और ज्यादा कुछ नहीं, एक मिनट और लूंगा, बस इतने बोलूंगा, आप लोगों के क्षेत्र में कोई अगर बच्चा जिसको जॉब से रिलेटेड कुछ होगा तो मेरे जो HR फ्रेंड है, जो मेरे नेटवर्क है कॉर्पोरेट में, वे लोग मुझसे जुड़े रहते हैं। मैं छोटा मोटा सामाजिक कार्य करता हूँ, लोगों को पता भी है, तो उन लोगों को जॉब दिलाने काम करता हूँ। अगर फ्रेशर तो ठीक है, उसके लिए भी अलग गाइडलाइंस अलग चीजें हैं, भैया के पास मेरा नंबर सब कुछ है, आप लोग भी नोट डाउन कर सकते हो। और सेकेंड थिंग, सोशल थोड़ा बहुत करते रहता हूँ, कॉमेंट्री का करते रहता हूँ, बट फाइनेंस का मेरा जो बिजनेस है, मेरी खुद की कंपनी है, मेरे पार्टनर हूँ मैं, तो फाइनेंस के ऊपर कुछ भी होगा मेरे से एडवाइस आप ले सकते हैं, मेरे से फाइनेंशियल सपोर्ट ले सकते हैं। बिजनेस है ये, बिजनेस सेकेंडरी है, पहला तो मुझे रिलेशन बनाना है और एक विश्वास दिलाना है। आपके क्षेत्र में कोई बच्चे होंगे जिनको निडी होगा, जो निडी पर्सन होंगे लाइक बिलो पॉवर्टी लाइन या छोटे, तो उनके लिए मैं खड़ा हूँ। मैं जॉब्स मेरे तरफ से कॉर्पोरेट लेवल या जो भी सेमी कॉर्पोरेट लेवल होगा मैं दिलाऊंगा। इससे मैं भैया का भी बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, समय कम था, काम ज्यादा था, सॉरी मैं थोड़ा लेट आया, कोई बात नहीं, दी गई थी बट कोई बात नहीं भाई, वंस अगेन आप सभी का एक मिनट लगाने दो साल या डेढ़ साल हुआ है, मैं सुनील प्रभु जी के साथ काम कर चुका हूँ, केतिकर साहब के साथ काम कर चुका हूँ, ठाकुर के साथ काम कर चुका हूँ, जो कि मिनिस्टर के भाई साहब ने मेरे को डेढ़ साल में जो दिया है वो मिनिस्टर होने के बाद भी उन्होंने वो पाया। डेढ़ साल से मैं आज 45 साल का हूँ, जो डेढ़ साल में जो किया पिछले 20 साल में मैं नहीं कर पाया, इसके लिए उनको दिल से बधाई देता हूँ। बहुत अच्छा, बहुत जगह हो जाए सब लोग कभी बनो, अभी स्पून दे दे आपको।